हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं हूँ देवपाल। और गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन में आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक का जो फुल केवाईसी है वो आप घर बैठे कैसे करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल केवाईसी करके दिखाने वाला हूँ एयरटेल पेमेंट्स बैंक का। तो इसके लिए फ्रेंड, आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो अब गाइज, आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक में फुल केवाईसी करने के लिए आप प्ले स्टोर से एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करके जैसे ही ओपन करेंगे तो उसका जो होम इंटरफेस होगा आपके सामने इस तरह से ओपन होगा। अब गाइज, यहाँ पे आपको फुल केवाईसी करने के लिए फ्रेंड आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बैंकिंग का, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब गाइज, इसी सेक्शन में आपको यहाँ पर वॉलेट डोरमांड का एक सेक्शन दिखाई देगा और यहाँ पे देखिए लिखा है अपग्रेड केवाईसी, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अपग्रेड केवाईसी पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है बेनिफिट, अगर आप फुल केवाईसी कर लेंगे तो इससे आपको क्या एडवांटेज मिलेगा। तो अब आप यहाँ क्लिक करेंगे गो डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आपका डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है तो इससे आपको क्या क्या एडवांटेज होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको देखिए, आपको एनुअल जो है 6% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा और आपको जो है एनुअल आपको 960 रुपये का आपको यहाँ पर एडवांटेज होगा। तो अब आप यहाँ गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने डॉक्यूमेंट सबमिशन का ऑप्शन आएगा। तो अब गाइज, आपको यहाँ पे सबसे ऊपर अपना आधार नंबर यहाँ से फिल करना है, उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर फिलअप करना है, उसके बाद आप यहाँ से इस टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब गाइज, आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहाँ एंटर करेंगे, उसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब गाइज, मैंने जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे फ्रेंड मुझे जो है एक एरर शो कर दिया कि यहाँ पे जो मेरा डिटेल्स है वो ऑलरेडी किसी बैंक अकाउंट से मैच हो गया, जिसकी वजह से यहाँ मेरा फुल केवाईसी नहीं हो पाया। लेकिन गाइज, अगर आपका सब कुछ सही रहा तो आपका जो फुल केवाईसी होगा आपका हो जाएगा, आप में कोई एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे गाइज मुझे जो है एरर आ गया। सो गाइज, इस तरह आप बहुत ही इजीली आप अपने एयरटेल पेमेंट्स बैंक में आप फुल केवाईसी कर सकते हैं। तो आई होप गाइज कि आप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।